نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام रंज से होकर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे के आसान हो गई। तमाम तर तारीफ़ात अल्लाह के लिए और बहुत बहुत रुदोसलाम सैयदुल कौनैन इमामुल हुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आला वाला के लिए। इस्लामी माओं और बहनों, अल्लाह ताला ने मौत और हयात को तख्लीक किया है। ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी, ये भी अल्लाह की मखलूक है, उसका हुक्म है, उसके हुक्म से है। और हमारी मौत, ये भी उसके हुक्म से है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة। अल्लाह बाबरकत ज़ात है जिसके हाथों में टोटल कायनात की हुक्मरानी की डोरें हैं। वो हर चीज़ पे कादिर है। वो पाक ज़ात जिसने मौत को ज़िंदगी से पहले पैदा किया। कुंतुम अमवातन, तुम सभी मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर उसने तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, वो फिर तुमको मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, और उस मौत के बाद तुम्हें फिर ज़िंदगी अता करेगा। हम यहाँ दुनिया में आने से पहले मौत की कैफियत में थे, फिर हमने ज़िंदगी पाई। इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ऐसी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, उसके लिए इस ज़िंदगी में मरना बड़ा ज़रूरी है। कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, किसी शय को बका नहीं, किसी चीज़ को दवाम नहीं। बका, दवाम और हमेशगी सिर्फ़ एक अल्लाह की पाक ज़ात को है, जो हमेशा से है, जिसने हमेशा रहना है। ए आदम के बेटो,
तुम अपनी ज़िंदगी को समझते हो कि शायद हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी हो गई, हमें इतने साल हो गए ये काम करते करते, हमें इतने साल हो गए, और तुम थक जाते हो, उकता जाते हो। मैं अल्लाह तुम्हें ये कहता हूँ, मिन्हा खलकनाकुम, तुमको इस मट्टी से पैदा करने से लेके, मा खलकुकुम वला बअथुकुम इल्ला कनफ्सि वाहिदा, तुम सब की ज़िंदगी आदम अलैहिस्सलाम से लेके इस कायनात के आखिरी इंसान तक इतनी मुख्तसर है, इल्ला कनफ्सि वाहिदा, जैसे एक फूंक होती है। जब सारी कायनात की ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है तो मेरी आपकी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर हो गई। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम बाज़ दफ़ा थक जाते हैं, लेकिन वो नफूस, वो शख्सियात हमेशा हमारे लिए नमूना और सबक बन जाती हैं, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उसी चाशनी से, उसी लुत्फ से, उसी मज़े से, उसी लय से, उसी अदाए दिलबरी से, उसी नवाए आशकाना से रब का नाम लेती हैं, रब के हबीब का नाम लेती हैं, और हबीब के हबीबों, उनके सहाबा का नाम लेती हैं, दीन के अलम्बरदारों का, उलमा का नाम लेती हैं, कुर्रा का नाम लेती हैं। लंबी ज़िंदगी, खैर वाली ज़िंदगी, इत्मीनान वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, अल्लाह की तरफ से रहमत और करम वाली ज़िंदगी की अलामत और निशानी ये है कि वो आखिर तक अपने खुदा से मुतमाइन रहती है, उसकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बना के रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, आप उहद के अंदर दुआ के लिए गए, सहाबा इकराम की मगफरत बख्शिश के लिए जनाजा पड़ा। एक सहाबी कहते हैं, मैं साथ था तो मुझे अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मेरे सहाबी, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि मैं चाहूँ तो लंबी ज़िंदगी ले लूँ और जन्नतुल फिरदौस ले लूँ, और चाहूँ तो कायनात के ख़जाने ले लूँ, और लंबी ज़िंदगी के बाद अल्लाह के यहाँ अच्छा मुकाम ले लूँ, या अभी अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लूँ। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल की ये बात ज़ुबान में थी, मैंने झट से कहा, सैयदी आप लंबी ज़िंदगी पसंद कर लें, जन्नतुल फिरदौस पसंद कर लें, आप जब तक ज़िंदा रहेंगे कायनात आपको देखती रहेगी। आपने फरमाया, ला बल इख्तरतु लिका रब्बी, नहीं मेरे सहाबी, मैंने अपने रब की मुलाकात को पसंद कर लिया। और जब कोई अल्लाह की मुलाकात चाहता है तो अल्लाह भी उसकी मुलाकात चाहता है, जब कोई अल्लाह की मुलाकात पसंद करता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात पसंद करता है। वमन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्बा अल्लाहु लिकाअहू, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलने की तमन्ना और इरादा रखता है। वमन करिहा लिका अल्लाह करिहा अल्लाहु लिकाअहू, जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करता अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करता। एक सहाबी कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की जो मुलाकात है इससे मुराद मौत नहीं? आपने फरमाया, हाँ इससे मुराद मौत है। तो फिर ये कहा गया आपके सामने, फकुल्लुना नकरहुल मौत, मौत तो अक्सर लोगों को नागवार महसूस होती, मरना तो हर कोई नहीं चाहता। मेरे अजीजों, जामे मस्जिद मुहम्मदी के नमाजियों, मेरी अजीम अमाओं और बहनों, हम मरना नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे, हमारे चाहने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मरना तो हर कोई पसंद नहीं करता। आपने फरमाया, ऐसे ही है, गौर करें, लेकिन अल्लाह जिस बंदे की मुलाकात पसंद करता है उसके दिल में दीन की होप डाल देता है। अल्की इलैही हुब्बत अल ईमान वल इस्लाम वल कुरान, अल्लाह उसकी आंखों, उसके कल्बो जिगर, उसके रूह व बसर में कुरान को अजीम कर देता है, दीन की बातों को अजीम कर देता है, मुसल्ले और मेहराब की मोहब्बत अल्लाह उसके दिल में पैदा कर देता है कि जो जो वो रब की बातें करता है उसे लुत्फ आता है, उसे मज़ा आता है,
उसकी नज़रों में दीन की मजलस वो मुकाम पा जाती है कि वो अपनी सेहत अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर दीवानावार काल अल्लाह का आवाज़ा लगाता है, काल रसूलुल्लाह का आवाज़ा लगाता है। इन सभी बातों की अमली तफसीर और तस्वीर उस्तादुल खुताबा रईसुल खुताबा और सैकड़ों नहीं हज़ारों मसाजिद के जो मेंबर व महराब हैं उनकी आवाज़ आज भी वहाँ गूंजती है। मेरी मुराद हमारे सरताज और हमारे रईस हज़रत क़िबला क़ारी अब्दुल हफीज़ साहेब रहमतुल्लाही अलैही रहमतुल वासिया, पिछला जुमा भी पढ़ाया है, उसके बाद गोजरे के अंदर एक बहुत बड़े प्रोग्राम में बीमारी के बावजूद खिताब भी करके आए, और जिस दिन सूरत यूसुफ का खुलासा था सारा दिन खुद तैयारी करवाई जलसा का पंडाल सजाने के लिए, बार बार हाजी साहब से रब्ता, मेहमानों की खातरदारी के लिए बार बार मशवरे, लेकिन अल्लाह जिस बंदे को पसंद करता है उसको खैर की इंतहाओं पे पहुंचा के अपने पास बुला लेता है। अल्लाह 70 माहों से बड़ा मेहरबान है, उसने टोटल कायनात को एक रहमत बांटी है, जानवरों को, परिंदों को, इंसानों हैवानों को, मेरी उम्मत के लोगों, जंगल का अगर कोई दरिंदा अपने बेटे से प्यार करता है तो सिर्फ इसलिए कि उसने भी उस एक रहमत से हिस्सा पाया है। जितनी कायनात मखलूकात गुजर गई, जितनी हैं, जितनी आएंगी, सबकी रहमतों को इकट्ठा करके ढेर लगाया जाए, एक रहमत बनती। अरबों खरबों लोग हमारे दिल में किसी के बारे कितनी शफकत हो सकती है, जिस अल्लाह ने बुलाया है उसके पास 99 रहमतें हैं, वो अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाला है, वो नेकी के उरूज पे ले जाके बंदे को अपना मेहमान बना लेता है। हम अपने परवरदिगार के इस फैसले पे राजी हैं, वला नकूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, और हम अपनी जुबान पे कोई भी ऐसा जुमला नहीं लाएंगे जिस जुमले को हमारा अल्लाह पसंद नहीं करता है। हम वही कहेंगे जो हमारे नबी कहते रहे, हम वही कहेंगे जो सहाबा कहते रहे, हम वही कहेंगे जो खतीब एशिया उलमा की वफात से पहले खिताब में कहते रहे, इन्ना लिल्लाही अखज़ा वलहु मा आता, जो ले गया है वो भी अल्लाह का है, जो बाकी है वो भी अल्लाह का है। हम सब उस पाक परवरदिगार की अमानत है, वो जब चाहेगा अपनी अमानत को वापस ले लेगा। अजीज दोस्तों, ये दुनिया बेसबात है, इसको कोई दवाम नहीं, इसकी टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए। आज कारी साहब की हयात हम सब के लिए नमूना है कि मेरे ख्याल में उस बख्त बेदार की वरासत तकसीम करने की अगर बात आए तो वो वरासत उनका खिताब हो सकता है, उनकी इल्मी विरासत हो सकती है, या उनके चंद जूते हो सकते हैं, या उनके पहने हुए चंद सूट हो सकते हैं। एक ईमान वाले की विरासत यही हुआ करती है, एक ऐसे शख्स की विरासत जिसे अल्लाह पसंद कर ले यही हुआ करती, जो आखिर दम तक वलवलाए ताज़ा से अल्लाह की आवाज़ का फरेरा लहराता रहे और हमेशा अपनी जुबान से उस पाक ज़ात का शुक्रिया अदा करता रहे। पिछला जुमा आपने यहाँ पढ़ा, किस मौजू पे था, अल्लाह मैं राजी, अल्लाह मैं खुश, कितने दुख आए वो फिर भी राजी, तकालीफ आई राजी, बच्चे उठाए गए शहादत की मंजिलों पे फायज हुए, अल्लाह मैं राजी। नौजवान बेटा जब जाता है तो जवान बाप की कमर टूट जाती है, लेकिन कामिल है वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। आ ये आवाज़ हमें बुला बुला के कह रही है कि तुमने भी हर हाल में अपने पाक परवरदिगार से राजी रहना है, यहाँ हमेशा रहने के लिए कोई भी नहीं आया। फरमाया कि मेरे सहाबा, जब अल्लाह किसी शख्स से मुलाकात चाहता है अल्लाह उसे दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है, और किसी बंदे को अल्लाह जब दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है तो जब उसका आखिरी वक्त करीब आता है तो अल्लाह उसके दिल में दुनिया की नफरत डाल देता है,
अपनी मोहब्बत डाल देता है और उस बंदे का मरने को जी चाहने लग जाता है। एक वो शख्स है जिसे अल्लाह दीन के लिए नहीं चुनता, उसके पास बड़ी दुनिया होती है, बड़ा माल होता है, उसका मरने को जी नहीं चाहता, आखिरी वक्त उसे अपनी दियारत वरासत प्रॉपर्टी की टेंशन होती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। एक आलमे दीन को क्या फिक्र होती है कि मुझे कल का दिन मिल जाए, मैं वहां भी जलसा कर रहा हूं, मैं वहां भी तकरीर कर रहा हूं। और जिस दिन सूरत यूसुफ का खुलासा था, वो तो आखिर दम तक यही खुदा से अपील और गुजारिश करते रहे कि कब सांसें बहार हूं और कब मैं स्टेज पे जाके अल्लाह की आवाज और अल्लाह के हबीब की आवाज का फरेरा लग रहा हूं। कुरान की तफसीर लोगों के सामने रखो, कुरान मजीद की एक आयत का फहम 100 नफलों से अफजल है, ये मेरे मोहम्मद का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसकी जिंदगी, जिसके दिन और रातें कुरान पढ़ते और पढ़ाते गुजरी हूं, वो आम रूटीन के मुसलमानों में परवरदिगार की नजर में सबसे बड़ा इबादत गुजार है। ऐसे इबादत गुजार बंदों से दुनिया वालों का नुकसान हो जाता है, जाने वाले का कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह जिस बंदे से मुलाकात पसंद करना चाहते हैं उसको दीन के काम में लगा देते हैं। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मुलाकात पसंद करे, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा जब आखिरी वक्त आए हमारा अल्लाह का मिलने को जी चाहे। हम नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। इंडिया के अंदर कितनी लाशें उनको जलाने के लिए आग नहीं मिल रही है, लेकिन आप कितने खुशनसीब हैं कि उस पाक जात ने हमारे मुर्दों को भी इज्जतें अता की हैं। वो इज्जतों का मालिक है और अपने मानने वालों को बड़ी ही इज्जतें अदा करता है। वो ये कहता है कि जो मुसलमान को गुस्ल दे देता है ना, वो कोरोना की वबा से डर के अपने बाप की मैयत से दूर भागने वाले दुनियादारों, पैसे के पुजारियों, मैं कायनात के हर उस शख्स को कहता हूं जो हमारी आवाज सुनता है। हबीबे किबरिया ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान को गुस्ल दे दे, अल्लाह 40 मरतबा आसमानों पे ऐलान करता है और फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इस बंदे को मुआफ कर दिया। अल्लाह फिर कहता है तुम गवाह हो जाओ मैं अल्लाह ने इसे मुआफ कर दिया। अल्लाह एक मरतबा कह दे जिंदगी बदल जाए, किस्मत संवर जाए। कोई आम अहले ईमान को गुस्ल दे दे, उसकी मैयत को हाथ लगाए इस नजर और नजरिए से कि मैं भी गुस्ल देने में, ये गुस्ल उसको थोड़ी है, ये तो खुद को है, ये तो अपने गुनाहों को है। 40 बार यही वो वक्त बेदार है जो मुसलमान को जाते वक्त इकराम देता है। यहां ये बातें सुन के उस वक्त दुख होता है जब बहुत बड़े बिजनेसमैनों के बच्चों के बारे ये बताया जाता है कि सगे बाप की मैयत से दूर होके खड़े हो गए हैं, जैसे बाप मरा है इनको मौत नहीं आनी। कोई अहले ईमान की जिंदगी गुजार के जाए, कैसा खैर का समा होता है। अहले ईमान में से 4 शख्स आंसू बहा के अल्लाह के दरबार में किसी बंदे के ईमान की शहादत दे दें, वजब लहुल जन्ना। 4 बंदे, 40 नहीं 4, शाहिद लहु 4। अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है, जन्नत फर्ज कर देता है। 4 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, 4 लाख नहीं, इससे ज्यादा बंदे जब से हजरत कारी साहब का सुना है सैकड़ों मरतबा गवाही दे चुके हैं कि हमने इस बंदे की गुफ्तगू सुन के राह हिदायत को कबूल किया। और उसकी जिंदा मिसाल हम भी हैं। हम एक बरेलवी खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो शिरक का खोखर खानदान है। कारी साहब की आवाज को केस्टों वालों ने बेच के बड़ा कुछ कमाया। आप कभी जफर के सवालों से पूछिए कि जब हजरत की तकरीर होती थी, जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। कोई इस तरह जाए, कोई रमजान की रातों में जाए, आम मुसलमान
रमजान में फौत हो, परवरदिगार राजी हो जाता है, जहन्नुम बंद कर देता है, जन्नत वाजिब कर देता है। मम्मा आता यौमल खमीस यौमल जुमा औ लैलतल जुमा, जो शख्स मेरी उम्मत का जुमे रात को फौत हो, मैं परवरदिगार जहन्नुम हराम कर देता हूँ। इस बंदे को जुमे रात भी आ जाती है, रमजान भी आ जाता है, और आखिरी नमाज जो नसीब होती है वो तहज्जुद की लाडली नमाज है, जो वुजू करके परवरदिगार के सामने सजदा करता है इस मर्ज की हालत में और उससे मनाजात करता है। क्या ये दुआ का मौका नहीं कि हम अर्श वाले से ये दुआ करें दिल से, अल्लाह हमें भी ऐसे खात्मे अदा कर। ये जो आंसू हैं हमारे अपनी महरूमियों के आंसू, ये खात्मा बिल ईमान की सआदत को देख के उस खुदा के एहसानात के करम बरसने के आंसू हैं कि अल्लाह इतना भी राजी हो जाता है, अल्लाह इतना भी करम करता है। आखिरी जो अमल है वो अमल ये है कि तफसीर सूरत यूसुफ का खुलासा, सूरह यूसुफ, मेरा यूसुफ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इज्जत दिया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने कहा या करीम अल कौम, ऐ वो शख्स जो कायनात में सबसे करीम है। फरमाया नहीं, सबसे करीम कायनात में अगर कोई है तो यूसुफ है। उसका बाप भी करीम था, उसका दादा भी करीम था, उसका परदादा भी करीम था। मैं यूसुफ से प्यार करता हूँ, और आखिरी जो जलसा था वो उसी यूसुफ की अकीदत में, उसी के अफकार को, कुरान की आयात की तफसीर को लोगों तक पहुँचाने के लिए था, जिसे अर्श वाले ने कुरान में कायनात के अंदर कुरान का सबसे खूबसूरत किस्सा कहा। अल्लाह इतना भी खुश हो जाता है, इतना भी राजी हो जाता है कि एक बंदा उसके प्रोग्राम की तैयारी में मसरूफ होता है, अल्लाह उसको अपने प्रोग्राम के लिए बुला लेता है। जब वो शफकत करता है, कमाल शफकत करता है, खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता, वो इतना मेहरबान है उस पाक अल्लाह ने। और आज का जुमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, अफीफा कायनात, ईमान वालों की माँ आयशा, नबुव्वत का हरम आयशा, सिद्दीक की सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसकी सना खानी आज तक कुरान की आयात करती हैं, जिसकी चौखट पे जिब्रील भी शर्म हया से सर झुका लेता है, जो नबुव्वत का प्यार, पैगंबर की इज्जत की पगड़ी, जिसका चबाया हुआ मिसवाक नबुव्वत इस्तेमाल करे, हुजरा तेरा ना छोड़ा सरकार ने, बेखती रब ने जन्नत वहाँ आयशा, इससे बढ़ते लोगों में क्या कहूँ, है सभी मोमिनों की माँ आयशा, अम्मी आयशा, सिद्दीका कायनात, सैयदा ताहिरा मुताहिरा, आज सतारा रमजान उनकी सना खानी, उनकी तारीफ। और ऐसे हो के आलम में जब लोग बदमाशी करें, उम्मुल मोमिनीन की सीरत पे हरफगीरी करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई मैदान में आके अपनी आयशा के दुपट्टे की हिफाजत करे। और वो कायनात के अंदर इस वक्त ममलकते खुदादादे पाकिस्तान के अंदर ताकतवर आवाज हजरत शेखुल बशायर खतीबे एशिया वकीले से हवा की थी। और आज का दिन कितने रमजान का दिन है, कौन से रमजान का दिन है, सतारा रमजान। सैयदा आयशा अफीफा कायनात की वफात इसी दिन हुई थी, सतारा रमजान को उम्मुल मोमिनीन गई, और आज सतारा रमजान को उनका बेटा उनके पीछे, और आज के दिन भी उनकी इज्जत का अगर होता तो अफीफा कायनात की अजमत के डंके बजाता। हम नाकारों में, हम नकम्मों में, कहाँ ये हिम्मत, कहाँ ये कुव्वत और कहाँ ये ताकत कि हम इन मिंबरों महराब में उन नफूस कुदसिया की कदम बोसी कर सकें, उनके पाए पासक को पहुँच सके, उनके कदमों को छूने वाली खाक का मुकाबला कर सके। हम तो सोच भी नहीं सकते, आज जो इज्जतें हैं वो उनकी दुआओं से हैं, उनके यद शफकत से हैं, उनकी सरपरस्ती से। और ये गुलशन जब से आबाद रहा, और अल्लाह का ये वादा है कि अल्लाह के घर क़यामत तक आबाद रहेंगे, ये गुलशन हज़रत काली साहब के लिए सदका जारी है। यहाँ का एक एक नमाजी, यहाँ की सब पे बैठने वाला एक एक शख्स ये काली साहब की नस्ल है, ये रूहानी फर्जंद हैं। और जो गम है इस वक्त, ये हम सभी इस मस्जिद में बैठने वालों का गम है।
हम सभी मिलके एक दूसरे से ताजियत करते, एक दूसरे को हौसला देते, एक दूसरे की ढांस बंधाते। आप सरमाया उम्मत थे, आप सरमाया मसलक के अहले हदीस थे, अरबी के बेमिसाल शायर थे, और मेरे पास हजरत काली साहब के वो अशआर मौजूद हैं, इंतहाई मोहब्बत करने वाले। आप देखें उनकी आवाज़, उनकी ज़िंदगी में सुने तो मन भर आता है। इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी मीठी आवाज़ है, इतनी दिल में उतर जाने वाली आवाज़ है। और कितने प्यारे जुमले, किसी को बेटा, किसी को मेरा जान, किसी को मेरा मुखी, किसी को मेरी आंखों की ठंडक, अकीदत, छोटे छोटे बच्चों से शफकत की इंतहा। आवाज के अंदर तज़ल्लुल, आजजी और इंकिसारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुआ के वक्त आवाज में आजजी ले आए, अल्लाह से वो जो मांगे अल्लाह दे देता है। जिसकी सारी जिंदगी की आवाज आजियों से भरी हुई हो, दिलों को नरम करती हो, पत्थरों को पिघला देती हो, आंखों से अश्क बहाने का सबब बन जाती हो। गौर फरमाइए, मैं ये कह रहा हूं कि ये गम हम सब का गम है, लेकिन हम इन्ना बिफिरा। हाजी अकरम साहब को अल्लाह सेहत व अफियत वाली जिंदगी दे, इस बंदे की आल औलाद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। कारी साहब इन्हें अपनी आंखों का नूर कहा करते थे। वो बड़े बड़े आदमी थे, बड़ा आदमी हमेशा तारीफ करता है, जैसी का शिकार नहीं होता। वो छोटे छोटे कामों पे मोहब्बत के दरिया बहा देता है, ताकि हौसला बढ़े और कोई काम करे। हाजी साहब को बुलाया, कहा मेरे बेटे अजीम की शादी है, मैंने उसके लिए सेहरा लिखा है, बारात से पहले उसे मेरे पास लाओ। अगरचे मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन शादियों में कोई ना कोई सेहरा पड़ता है, अजीम बेटे की शादी में मेरा जी चाहता है कि सेहरा मैं पढ़ूं। इतना मेरा तो बेटों जैसा ताल्लुक, जबकि उस वक्त हमारी आमद यहाँ नहीं हुई थी, इतनी वसीउल कल्बी, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। ये बातें हम सब के लिए नमूना है कि हम यहाँ काम करने के काबिल हुए। ये उनके दिए हुए हौसले का एक सिला था परवरदिगार की तरफ से। और आज यहाँ से सैकड़ों बच्चे हिफ्ज करके अल्लाह के घरों में कुरान सुना रहे, उनका एक एक हरफ हजरत कारी साहब के लिए, मुआवेलीन के लिए, यहाँ के एक एक नमाजी के लिए सदका जा रही है। हम इस गुलशन को आबाद करेंगे इंशाल्लाह, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई। आइए मिलके आज पाक परवरदिगार से ये वादा करें, ऐश वाले जिन बंदों से तू मोहब्बत करता है उनको दीन की मोहब्बत अता कर देता है, अपने मस्जिद और मदरसे से मुंसलिक कर देता है। ऐश वाले हमारे दिल में भी मस्जिद और मदरसे और मिंबर महराब की मोहब्बत को पैदा कर दे। दीन की आबियारी में, सहाबा की अजमत की दिफा में, कहाँ गिलगत बल्दस्तान, कहाँ कराची, कहाँ हमारे वो गांव कि जिस गांव में चंद घराने अहले हदीस थे, चंद घराने, और हमें सांस नहीं लेने दिया जाता था। आज ये ममलकते खुदा दादे पाकिस्तान में जितनी बहार आई हुई है, ये सभी पौधूनी की लगाई हुई है। गांव के गांव, इलाके के इलाके, गलियों की गलियां, और हम ये ख्वाब देखा करते थे। मैंने जिंदगी में सबसे पहले जो बोलना सीखा वो हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह का एक वाकया होता था, सूफी और चिड़िया वाला। एक चिड़िया थी, ये उस वक्त जब मैं स्कूल की तीसरी क्लास में था, इंतहाई बचपन था, मेरे बड़े भाई मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा देते और कहा करते कि वो कारी साहब का वाकया सुनाओ, सूफी सूफी।
चिड़िया पकड़ी और हलाल करने लगा, आपने कई मर्तबा सुना होगा, मैं अपने बचपन के बाद आज उसे दोहरा रहा हूं। चिड़िया ने कहा कि तुम क्या करोगे? उसने कहा जिबा करूंगा, दाढ़ करारी करूंगा। चिड़िया ने कहा मेरे गोश्त से तुम्हारा क्या बनना है? तुम मुझे छोड़ो तो मैं तुझे तीन बातें बताऊंगी, एक गाल तेरे आते बह के दसांगी, एक ऐसा मैंने दरख्त थे, तीसरी और कंते बह के। तो उसने कहा कि चलो खाने के लिए कोई और चिड़िया ले लेंगे, इससे कोई राज की बात पूछ लो। चिड़िया उसके हाथ पे बैठी और कहने लगी सूफी एवं सुनी सुनाई गल मगर नहीं लगी था। कुत्ता आखे ना तेरा कान लै गया, पहलो कान वेख लईदा, कुत्ते दे मगर नहीं भज पईदा। किसे को सुन के किसी नूं गंदिया नहीं आखीदा, किसी की बदखोई नहीं करीदी, एवें सुनी सुनाई गल दे पिछे घर नहीं उजाड़ीदा। पहली गल, दरख्त पे बैठी और कहा सूफी तू बड़ा ढीला, और वाकया सूफी मनुष्य आदमी है, अगर तू जिबा कर लेता मेरे पेट में 3 तोले सोने के हीरे थे। आपने सुना, ये जिंदगी का पहला वाकया था जिस वाकये को मैं अपनी जुबान पे लेके आया। अल्लाह के फजल से आज मुझे मियां चन्नू मरकजी मस्जिद, जो हमारे अकाबर की एक जिंदा निशानी, जिसमें पाकिस्तान का सबसे कदीम मदरसा होता था, अब्दुल्ला मुझे छतरी वहां पढ़े रहमाउल्ला, अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमाउल्ला पढ़े, हजरत अल्लामा एहसान लाई ज़ही रहमाउल्ला जब उस मस्जिद के करीब से गुजरते इसी गरज से आके नफल पढ़ा करते थे कि यहाँ हमारे मशायख पढ़ते रहे। 3,000-3,500 का मजमा, ठाठे मारता आवाम का समंदर, 11 साल हो गए हैं मुझे वहां जुमा पढ़ाते। ये हजरत के लिए सदका जारिया है, था रहेगा। सूफी कहने लगा मैं लुटिया गया, अगर मैं इसे जिबा कर लेता मैं जरदारी के घर वाला बन जाता। लोग कट्ठे हुए, उस सूफी होया कि उन्हें कहो हीरे लै गई, कौन लै गई? चिड़ी लै गई। उसने कहा तोले की चिड़ी, तेरे 3 तोले के हीरे ले गई। चिड़ी बैठी तमाशा देखती रही, जब लोग थप्पड़ थप्पड़ मार के सर्वस करके चले गए, उसने कहा सूफी बड़ी चेती भूल गए हैं, मैं तेरे हाथ से बह के आख्या सी सुनी सुनाई गल दे पीछे। हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई खैर वाला शख्स दुनिया से जाता है, अकेले बंदे नहीं, वो दरख्त होते हैं जिन दरख्तों के करीब से वो गुजरा करता था। आसमान का वो दरवाजा होता है जिस दरवाजे से कायनात में खैर बरसा करती थी। अर्श वाले, मुझसे खैर गुजर के दुनिया तक पहुंचती थी, मैं इसलिए रो रहा हूं आज के बातों ने इस बंदे के आने की वजह से दुनिया को खैर से महरूम कर दिया। हमें हर उस शख्स की कदर करनी चाहिए जो अपने आखिरी दम तक मुसल्ले से चिमटा रहता है, मिंबर से चिमटा रहता है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जाना सबीले है लेकिन जाना इस तरह हो। 40 बार अल्लाह मुआफ करते हैं, कितनी बार? कितनी बार? लाहौर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन फौत हो गया कोरोना से, बिजनेस अंपायर, बिजनेस चैंपियन, और ये बात मुझे कारी अब्दुल वदूद आसम साहब ने खुद सुनाई। उस बिजनेस चैंपियन के बेटों ने मैयत को हाथ, अल्लाह की कसम, नहीं लगाए, सारा दिन मैयत एम्बुलेंस में पड़ी रही। कारी साहब कहते हैं मुझसे उन्होंने रابطہ किया तो मेरी मस्जिद में एक शख्स था जो मुझे ये कहा करता था कि अगर किसी को गुस्ल देने वाला ना हो तो मैं तैयार हूं। आप कारी यूनस साहब से, कारी सईदुल्लाह साहब से पूछिए, जिनका ताल्लुक कारी साहब से दरीना है, उनको तो बेशुमार फोन आए होंगे। मैं जब लाहौर से निकला फैसलाबाद पहुंचने तक मुजनाजीज को कितने फोन आए कि हजरत कारी साहब को गुस्ल हम देना चाहते हैं।
कितने फोन हमें आए कि गुस्ल हम देना चाहते, हम ये शहादत लेना चाहते। एक शख्स की आवाज़ को मैंने पहचान लिया, उसका तो मुझे पता चल गया, बाकी आवाज़ों का मुझे पता नहीं चला। एक तो फूल पे आप दीदा हो गया और कहने लगा कि खारी साहब मैंने एक गुजारिश करनी है। मैंने कहा जी कीजिए। कहा अगर आप मुझे कारी साहब को गुस्ल देने का मौका दे दें, ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये खैर वाले लोग हैं, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि लोग इस बात को एहसान माने और उस बंदे को सलूट करें जो गुस्ल का मौका देने की सिफारिश कर दे। कारी साहब कहते मेरे साथ रब्ता उन्होंने किया तो मेरी मस्जिद का नमाजी था, हम भी उसे जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उड़ा हुआ आया, अकेले ने अपने बेटे को लगा के तबूत निकाला। किसी बिजनेसमैन की मैयत इतनी बेबस भी हो सकती है? और किसी ऐसे शख्स की मैयत जो दुनिया में कोई विरासत ना छोड़ के जाए, ऐसी खुशनसीब भी हो सकती है? होती है। आप रोजाना आंखों से देखते हैं, अकेले ने अपने बेटे को लगा के मैयत बाहर खींची, जी भर के मोहब्बत से गुस्ल दिया, दोनों बाप बेटे ने कफन दिया, ना जान ना पहचान, कोई तारुफ नहीं। अकेलों ने गुस्ल दे के अकेलों ने ताबूत में रखा। ताबूत बंद करके जब जाने लगे तो एक बिजनेसमैन ने इतने सारे पैसे निकाल के उसको देना चाहे, उस बंदे की आंखें छलक पड़ी और उसने कहा कि मियां जी आपको किसने कहा कि मुझे यहां पैसे लाए? आपने मेरे खुलूस को तोलने की कोशिश की है? मेरे इखलास को मापने की कोशिश की है? मैंने तो मौलवी साहब से यह हदीस सुनी है कि जो किसी मैयत को गुस्ल देता है अल्लाह उसे 40 बार माफ करता है। और सिर्फ ये सआदत उस बंदे को हासिल है जो एक ईमान वाले शख्स को गुस्ल देता है। बाकी कायनात में बड़ी नेकियां हैं, बड़े फजाइल हैं, लेकिन ये सआदत किसी और नेकी को हासिल नहीं। 40 बार अल्लाह ऐलान कर जाओ मैं तेनों माफ किया, जा मैं तेरे ते राजी, मैं तेरे ते खुश, मैं तेरे ते राजी, मैं तेरे ते खुश। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीक पे ईमान लाओ, साइंस की तहकीक को ठोकर मारो। आज साइंस कह रही है कि अगर कोई इस मर्ज के अंदर मुबतला हो के दुनिया से चला जाए तो उससे वायरस आगे नहीं लगता। यूरोप का मुसलमान इस तहकीक पे ईमान लाया, लेकिन हम गुलामान मुस्तफा अपने मोहम्मद की बात पे ईमान लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 बार अर्श वाला माफ करता है। और किसी दीन के दाई, कुरान मजीद की आयत तैयबा है सूरह ताहा की, वमा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, हमने कुरान आप इसलिए नाजल नहीं किया कि आपको तकलीफें उठाना पड़े। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में हदीस लाए हैं सही सनद के साथ कि कयामत का दिन होगा, अर्श का मालिक, कायनात का परवरदिगार हर उस शख्स को जिसकी जुबान से लोगों के कानों तक रब का कुरान पहुंचा होगा, तौहीद का डंका जिसने बजाया होगा, शिरक की नफी भी होगी, बिदअत की हौसला शिकनी की होगी, अल्लाह उसे लाएंगे बरसरे मखलूक, उसे अपने सामने खड़ा करेंगे, कायनात को मुखातब करके अल्लाह कहेंगे ऐ कायनात के लोगों ये मेरा वो बंदा है जो हमेशा अपनी जुबान से लोगों को मेरी बातें सुनाता रहा, मेरी तरफ बुलाता रहा, यकीनन बंदा होने के नाते से मेरे इस बंदे में कमजोरियां थी, कमजोरियां हैं, लेकिन चूंकि ये मेरी आवाज को लोगों के कान तक पहुंचाने का सबब और जरिया बना, मैंने इस बंदे को बख्श दिया है, मुआफ कर दिया है,
ला उबाली, मुझ परवरदिगार को कोई पूछने वाला नहीं। किसी के जाने के बाद उसके बारे जब अच्छे जुमले कहे जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से फरिश्ते आ जाते हैं और आसमान से फरिश्ते आके कहते हैं, अल्लाह इस बंदे की इज्जतों में मजीद इजाफा कर दे, ये बंदे तेरी जमीन पे बैठ के इस बंदे की तारीफ कर रहे हैं। और किसी वक्त बेदार का तज़करा अल्लाह मुसल्ले पे ले आए, अल्लाह मिंबर पे ले आए, ये रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसल का। इस्लाम की आबियारी में हजरत कारी साहब का जो हिस्सा है वो निसफ सदी का किस्सा है, दो चार बरस की बात नहीं। हजरत ने एक भरपूर जिंदगी पाई और सारी जिंदगी खैर वाली पाई, आजमाए गए, सबर का एक पहाड़ बने, अजमे समीम की अजीम लहर बने, आखिर दम तक उसकी आवाजों का फरेरा लहराया। सन 82 में इस मस्जिद की जब बुनियादें उठाई जा रही थी और ये तामीर के मराहिल में थी, हजरत कारी साहब यहां आए। 40 साल का अरसा यहां बनता है, 40 साल का अरसा यहां बनता है, 87-88 साल भरपूर और खैर वाली उम्र। और मियां बीवी की मोहब्बत की एक अनमन दास्तान सुनिए कि हमारी वो अम्मा जी जो उनकी खालिमा थी, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मुफ्ती तलहा साहब बतला रहे थे कि जब भी कारी साहब जाने का तस्करा करते तो वो कहा करती, मैंने पहले जाना है। किसी मौके की दिल से निकली हुई बात अल्लाह कबूल कर लेता है। वो इतनी सीरियस हालत में तो नहीं थी, कारी साहब ज्यादा सीरियस हालत में थे, लेकिन वही मिसाल बनी जैसे बंदा कहता है ना, अल्लाह की बंदी चल तो सही में भी आ रहा। और उन बेटों पे गम का कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, हम सभी इस गम की घड़ी में इनके साथ हैं और हमारा ये साथ अल्लाह के रसूल की, अहले बैत की, सहाबा की मोहब्बत की बुनियाद पे है जो कारी साहब ने अपने चाहने वालों के दिलों में भरी है। और ये ताल्लुक कोई छोटा ताल्लुक नहीं होता, इसे कायनात तोड़ नहीं सकती, ये रब के बनाए हुए ताल्लुक हैं साहिब। इन ताल्लुकात के बारे एक हदीस सुनिए और लुत्फ लीजिए। कयामत का दिन होगा, कुछ लोग लाए जाएंगे, उनके चेहरे नूर के होंगे और उन्हें नूर के मिंबरों पे बिठाया जाएगा, अर्श की दाई जानब इज्जत की कुर्सियां उनको अता की जाएंगी। यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा, नबी और शहीद उन पे रशक करेंगे। ऐ अल्लाह के रसूल, उनकी निशानी क्या है? तहाबु बिरहिल्ला। ये वो खुशनसीब लोग होंगे जो किसी शख्स से इसलिए मोहब्बत नहीं करते थे ये मेरा चचा है, मेरा ताया है, सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते थे ये बंदा अल्लाह की बातें करता है। हम किसी बंदे से मोहब्बत करें, हमें ये मुकाम मिले, इसका मतलब है कि वो बंदा मुकाम वाला है, वो शान वाला है, वो इज्जत वाला है, वो इफ्फत वाला है, वो जुहतवत है, वो यशवत है। ये मुकाम और ये शान अगर आज हम इस फुरकत की घड़ी में अल्लाह से मांगे तो अल्लाह दे सकते। अल्लाह जी हमारी औलादों में भी कारी साहेब पैदा फरमा। आपने जो सोशल मीडिया पे नौजवान हैं, पाकिस्तान के मदारस के सरपरस्त हजरत सैयदी व उस्तादी व सनदी प्रोफेसर चौधरी यासीन जफर साहब, हजरत की जब इत्तला उन्हें मिली तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। बहुत दलेर आदमी, बड़े हौसले वाला आदमी, लेकिन उस हौसले वाले आदमी से बात नहीं हो रही थी। और हजरत यासीन जफर साहब, मैं जब भी उनके पास जाता कहा करते, उस्ताज़े गिरामी को मेरा सलाम कहना। हजरत हाफिज शरीफ साहब एक दिन यहाँ दरस देने के लिए आए,
लेकिन खारी साहब की खिदमत में हाजिरी ना दे सके, वापस आए, मुझे फ़ोन करके बुला के कहते, हज़रत हाफ़िज़ शरीफ साहब और साथ नजीबुल्लाह तारिक साहब थे, कहने लगे हमारी ये जुरत नहीं है कि हम मस्जिद में आएँ और हज़रत की खिदमत में हाज़िरी ना दें, लेकिन हमें इंतहाई ज़रूरी काम है, हम इसलिए नहीं हाज़िरी दे सके, ये रमज़ान पिछले रमज़ान की बात है, लेकिन आप हमारी तरफ़ से कारी साहब के पास जाओ। कारी साहब को तो पता ही नहीं कि वो आए, इतने बड़े बड़े मशायख, और यासीन जफर साहब ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई है उसमें ये लिखा है, उस्ताजी अल मुकर्रम, मेरा वो उस्ताद जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इज्जतें दी हैं, वो अल्लाह की अल्लाह के बुलावे पे दाई अजल को लब्बई कह गया है, और इस दुख और गम की घड़ी में हम उनके लाहिकीन के साथ, उन्होंने जहां उनके हकीकी बेटों से ताजियत की वहां उनके रूहानी फर्जंदों से भी ताजियत की। एक जमाना उन्हें उस्ताद मानता था, हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया। इसके पीछे एक, मैं इसलिए ये बात यहाँ कर रहा हूँ, ये हमारे ज़िम्मे कर्ज भी है अल्लाह के रसूल की तरफ से, और इस मौके पे दुआओं का मौका है, हम अपने लिए भी मांग सकते हैं, अल्लाह हमारी नस्लों में भी उलमा पैदा कर, ऐ कायनात को रोटी देने वाले हमें भी इलम के नूर से मुनव्वर कर, हमारी ज़ुबानों पे भी कुरान लेके आ, इमामुल कुर्रा सैयदी व सनदी व उस्तादी हज़रत इदरीस अल आज़िम हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह खैर वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। पाकिस्तान में हज़रत का एक मुकाम है, लेकिन जब यहाँ तशरीफ़ लाते तो मैं कहता, हज़रत अगर आप पसंद करें तो हज़रत कारी साहब को ले आए, हम जाए, फरमाया करते नहीं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनके पास खुद जाएंगे। हमने इन नफूस से बहुत अदब सीखा है। हज़रत शेख साहब फरमाने लगे कि जब खतीब कुरान गलत पढ़ा करते थे, उस वक़्त हज़रत कारी अब्दुल हफीज़ साहब ने कुर्रा की एक तंजीम बनाई थी, और कारी अब्दुल हफीज़ साहब उस तंजीम के सरपरस्त थे और हम उसके रुकन हुआ करते थे। मुझे एक मरतबा पैगाम भेजा, जब हमारी यहाँ शुरुआत थी सन 2016 में, कि बेटे तुम जमालुल कुरान पढ़ो, जमालुल कुरान तजवीद की किताब है, और कारी साहब खुद ही बहुत देर किताब पढ़ाते रहे। उन्हीं दिनों हज़रत शेख साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने फिर मेरी तरफ से ये हज़रत कारी साहब को बताया कि इन्होंने तजवीद पढ़ी है। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि तजवीद पढ़ी, यानी मैं कुरान को पढ़ना जानता हूँ, इस बुनियाद पर उनकी नज़रों में कद और बढ़ गया। अहले ईमान की नज़रों में किसी बंदे का कद इसलिए बढ़ता है कि वो ईमान से मोहब्बत करने वाला, वो उसी की सिफारिश करेंगे जिसके पास ईमान होगा। आइए, इस आलम में कि जब हमारे दिल में एक गम है, एक अजीम शख्सियत से महरूम होने का ऐसा कलक है कि जिसका कभी मुदावा नहीं हो सकेगा, हम अल्लाह से हज़रत कारी साहब के दरजात की बुलंदी की भीख मांगते हैं। ए परवरदिगार, इस आवाज़ को जो दिलों में है और केसटों में रिकॉर्ड है, क़यामत तक के लिए महफूज रख, इसको कारी साहब के लिए सदका जारिया बना। ये वो खुशनसीब हस्ती हैं जिन्होंने सहाबा के दिफा में असफार के अंदर कई दुख, मैंने कहा कारी साहब कोई वाक़या सुनाइए, जब उनकी खिदमत में बैठते तो उनसे बेशुमार वाक़या सुनते थे। कहने लगे कि कई मरतबा हम जब जलसों पे जाते, रस्ते में चोर हमें रोक लिया करते थे, कभी घड़ी उतरवा ली, कभी जो थोड़ी बहुत खिदमत हुई, चूँकि देखो डरने वाले थोड़ी थे कि ये इलाका बेआबाद है, यहाँ हमने जाके क्या करना है, वो तो कोई बुलाता खरामा खरामा चले आए,
और जिस दिन गोजरे में खिताब करके शदीद बीमार थी। असलन बीमार वो होता है जिसकी रूह बीमार हो, जिसकी रूह जिंदा हो उसका किरदार दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहता है। तलवार की धार से कट सकती नहीं चराग की लू, जिस्म के मर जाने से इंसान मर नहीं जाता। और किसी अहले दिल ने ये कहा था कि बज़्मे इल्म वफा में मैं आज भी जिंदा हूं, तलाश कर मेरी महफिल मेरा मजार न पूछ। मेरी महफिल तलाश कर, मैं इल्म इरफान की मजलसों में आज भी जिंदा हूं। मर तो गवैये भी जाते हैं, मर तो डूब भी जाते हैं, मर तो फनकार भी जाते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद कहा जाता है गाता बड़ा था, तबला बड़ा अच्छा बजाता था, ढोल बड़ा अच्छा बजाता था, एक्टर बड़ा था, इंडस्ट्री चलाता था, लेकिन मौत वो मौत है कि नाम लिया जाए, जो नाम ले उसकी भी बख्शिश हो, जिसका तज़किरा किया जाए उस पे भी फरिश्ते रहमतों की बरकत भेजे। अल्लाह के फरिश्ते सलाम, और जमीन से आसमान की छत तलक ऐसा शाही प्रोटोकॉल होता है कि वो इंसान चाहता है कि मुझे जाने का मौका मिले, मैं दुनिया वालों को बता के आऊं कि मैं ये जो फकीराना जिंदगी, ये जो मैं सादी सी जिंदगी गुजार के आया हूं ना, देखो इसके नतीजे में मेरे रब ने मुझे अता क्या कर दिया। वह यनकालिबु इला अहलिही मसरूरा, वो खुशी खुशी जब जाता है, जब इसे इकबाल देखता है आसमान पे, जो उसकी रूह को नया जन्नत का लिबास पहनाया जाता है ना, वो पहले आसमान पे जाकर फिर बदल दिया जाता है। और वहां के फरिश्ते ये कहते हैं कि ऐ जमीन से यहां आने वाले फरिश्तों, तुमने सआदत हासिल कर ली है, अब हमें ये सआदत दो। लड़ाइयां होती हैं और इंतजार लगता है, फरिश्ते एक दूसरे की गर्दने फलांग के उस बंदे की जियारत को आते हैं, आसमान के दरवाजे प्रोटोकॉल से खोले जाते हैं। वहां पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, अकीदत के गुल निछावर किए जाते हैं और फरिश्ते रश करते हैं कि कोई आने वाला आया है, कि आसमानों पे भी थरथली मची हुई। जाना इस तरह का जाना हो, खात्मा इस तरह का खात्मा हो कि जाने वाले को जाने का मजा आए और बुलाने वाले को बुलाने का मजा आए। ऐ अल्लाह हम सबको खात्मा बिल ईमान फरमा। अल्लाह ये जितने साथी बैठे हैं सबसे खुश और राजी हो जाए, जितनी माए बहने आई हैं सबको ईमान का खात्मा अता कर। फिर वो फरिश्ते अकीदत से गुसल दे के उसकी रूह को दूसरे आसमान पर ले जाते हैं, अकरमानी मालकानी इज्जत देने की यकीन करते हैं, हटो बचो की सदाएं। दूसरे आसमान वाले फरिश्ते इन आसमान के फरिश्तों को वापस भेज देते हैं अकीदत से लेके, और ये सिलसिला सातवें आसमान तलक, फिर सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह के सामने उस रूह को पेश कर दिया जाता है। आवाज आती है, आ गए वो, जवाब दिया जाता है कि तेरे बुलाने पे किसी को इनकार नहीं, तूने बुलाया हम 100 बार हाजिर हुए, हमारी रग रग हाजिर, हमारा अंग अंग हाजिर, लब्बई का वसादई का हमारी नस्लें भी हाजिर। या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईना, इतने इत्मीनान से आने वाले, इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, अब तू इज्जत के ठिकाने में इस हालत में जा कि तू मुझसे राजी, मैं परवरदिगार तुझसे राजी। आखिरी जुमा क्या था, गवाही देना, सारे गवाही देना, आखिरी जुमा ये था, अल्लाह मैं राजी, और दुआ आखिरी ये थी, वो रिकॉर्ड है, अल्लाह तू राजी हो, अल्लाह तू राजी हो अपने फकीरों से, अपने आजज और बेकस बंदों से, अल्लाह तू राजी हो, अल्लाह तू राजी होगा तो बात बनेगी। और उसके राजी होने की निशानी नहीं कि वो कितने सआदत के लम्हों में किसी को अपना मेहमान बनाता है। आपने आज तक किसी के गम में किसी को इस तरह आंसू बहाते देखा है, यहाँ ये जो नमाजी आंसू बहा रहे हैं,
ये दिल की जमीन से गवाही दे रहे हैं कि इस मिंबर से जो आखिरी आवाज ऐर्श वाले हम सभी ये गवाही देते हैं, तेरे फकीर और आजिज बंदे, और तेरा ये हुक्म है कि ईमान वाले की गवाही को मैं कबूल करता हूं। हम कुछ नहीं दे सकते, उनके एहसानात का बदला कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम ये गवाही दे सकते हैं कि इस मस्जिद के मिंबरों मेहराब दरो दीवार इसकी सफ़े और इसके नमाजियों से जो आखिरी आवाज टकराई वो ये थी कि अल्लाह मैं राजी। या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिकी राजियतन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू व अकरिम नुज़ूलहू। ए रूहों को फरिश्तों से तहारत के गुस्ल दिलवाने वाले, ये तेरे सारे फकीर कारी साहब की रूह के प्रोटोकॉल की तुझसे भीख मांगते हैं। ये फकीर तुझसे इंसान होने के नाते से जो कमियां हो जाती हैं उनकी बख्शिश की अपील तुझसे करते हैं। चार बंदे खैर का जुमला कह दे तू कबूल कर लेता है। ये रोजेदार बंदे जुमे के अजीम वक्त में बैठे ये इतना बड़ा जुमला कह रहे हैं कि हमने अपने कानों से सुना है कि उनकी आखिरी आवाज़ जो इस मिंबर से गूंजी वो ये थी कि अल्लाह मैं राजी। हमने इश्तिहार बनाए, उनका सालाना शेड्यूल मैं फ़कीर जारी करता था। हज़रत हाजी अकरम साहब मुझे बार बार फ़ोन करते, जब हज़रत कारी साहब को फ़ोन करते तो कारी साहब आगे से फरमाते अजीम अजीम साहब को कहो। हाई साहब ने कहा कि कारी साहब बार बार कहते कि अजीम साहब ने शेड्यूल देना जुमों का, जुमों के शेड्यूल में उनके इश्तिहार बने। जफर अपने हाथों से इश्तिहार लगा के आया, उस पर ईद का उनवान और ईद का टाइम भी लिखा हुआ है, लेकिन अर्श वाले को मालूम है कि उसने किसकी ईद कहाँ करवा दी, और उनके आज के जुमे का उनवान भी। और मैंने भी यही चाहा था कि मैं सीरत आयशा के हवाला से हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह की तरफ से उनका रूहानी बेटा होने के नाते से आप तक कोई पैगाम पहुँचाऊँ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सआदत है कि उनके जाने के बाद मुझे उनकी चाकरी करने का मौका मिला है। और मैं कुछ अकीदत के जुमले इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, चूँकि उनका हमारा प्यार सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए था, हमने कोई जायदाद उनके नाम नहीं कर रखी थी और ना ही हम इतनी बड़ी जायदादों वाले हैं। हम तो मुहाजर लोग होते हैं, मस्जिदों में बैठ के यहीं ज़िंदगियाँ गुजार जाते हैं। इस मौके पे आप दुआ कीजिए, मैं यकीन से कहता हूँ आप रोज़े से हैं, हम रोज़े से हैं, जुमे में हैं, और एक अजीम शख्सियत के महरूम होने का गम दिल में लिए बैठे हैं। आप जो मांगेंगे अल्लाह देगा, आप जो अपील करेंगे अल्लाह उसे पूरा करेगा। अल्लाह हमें सब्र अता फरमा, लाहिकीन को सब्र दे, हमारी माँ जी की मगफरत कर, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इस्तकबाल फरमा। बशरी कमियों और कोताहियाँ इंसान होने के नाते से होती हैं, लेकिन जो तुझसे मुआफ़ी मांगता है तुझे पसंद बढ़ाता है। एक वाक़या सुनिए, ज़िंदगी में बड़ा काम आएगा, फिर बात मैं मुकम्मल करता हूँ। हारून और रशीद ने अपनी बीवी को ये कहा कि मैं अगर अल्लाह से मोहब्बत करने वाला ना हूँ तो तुझे तलाक, अल्लाह मुझे अगर जन्नत में दाखिल ना करे तो तुझे तलाक। उलमा ने कहा कि तलाक तो हो गई, तुझे क्या पता कि तू जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। वो उस बीवी को चाहता था, बड़े बड़े मुफ्ती बुलाए, सभी मुफ्तियों ने यही फतवा दिया कि तेरी बीवी को तलाक हो गई, क्योंकि तूने कहा कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल ना करे तो तुझे कैसे पता कि तू जन्नत में जाएगा।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह के एक शगिरद थे, उनका नाम था अल्लैस इब्न साद, जिनकी सखावत का वाकया भी मैंने फजर के दर्स में बयान किया था। बहुत बड़े मुहक्किक थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे। हारून कहने लगा कि यहाँ कोई और आलिम नहीं बाकी बचा कि उससे मैं फतवा लूँ। कहा एक बहुत बड़े आलम हैं, मुफ्ती हैं, उनका नाम लैस इब्ने साद है, वो यहाँ नहीं है। कहा उनको बुलाओ। उन्हें बुलाया गया तो देखा कि हज़ारों उलामा बैठे हुए। लैस कहने लगे कि क्या माजरा है। उसने कहा कि मैंने ये अपनी बीवी को कहा है कि अगर अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल ना करे तो तुझे तलाक। तो ये कहते हैं कि तलाक हो गई है, कि तुझे कैसे मालूम कि तू जन्नत में जाए। अल्लाह ने कहा कि आप सारे उलामा को बाहर भेजें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सारे उलामा बाहर चले गए। लैस ने हारून के आगे कुरान करके कहा, हारून इस कुरान पे हाथ रख, मैं तुझसे जो पूछूंगा तू सच बताएगा, तू झूठ नहीं बोलेगा। हारून ने हाथ रख के कहा, अल्लाह की कसम जो तुम पूछोगे मैं बताऊंगा और सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कहा हारून, तेरी जिंदगी में कभी कोई दिन आया है कि तू तन्हाई में बैठा अल्लाह की मोहब्बत में रोया हो, उसके डर से रोया हो, उसको याद करके? कभी एक मौका आया है कि तेरी आंख से कोई आंसू बहा हो, वह तसील वाला नहीं आती और तेरी दाढ़ी से आ लगा हो? ये इमाम मालिक का शगिर्द कह रहा है, जिनकी हदीस की सबसे पहली बाज़ाब्ता किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले से कायनात तक पहुंची मौत्ता, इमाम मालिक। और ये वो शख्सियत है जो हजारों सहाबा की औलाद की शगिर्द है। हारून, तेरी जिंदगी में कोई एक मौका आया है कि तू तन्हाई में बैठा अल्लाह से रोया हो, या कहीं अल्लाह को याद करके किसी मजलिस में बैठा हो, तेरी आंखों से इतने आंसू बहे हो कि तेरी दाढ़ी को लग गए हो? हारून ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे दिन तो मेरी जिंदगी में कई बार आए हैं। उन्होंने फरमाया, वैज़ा समी उमा उन जिला इला रसूल तरा अयुना हम तफीज़ु मिन अद्दमई मिम्मा अराफु मिन अलहक यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदी वमा लना ला नुमिनु बिल्लाही वमा जाअना मिन अलहक वनतमौ अन युदखिलना रब्बुना मा अलकौमि सालिहीन फअसाबहुम अल्लाहु बिमा क़ालू जन्नतिन। जिसने अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से इतना आंसू बह निकला कि उसके गाल तर हो गए, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अगर तू अल्लाह से डर के एक बार रोया हो तो रब से सच्चा कोई नहीं, उसके वादे हक, उसके सारे वादे सच। मन अस्दक मिन अल्लाह कीला, अल्लाह से बढ़ के सच्ची बात करने वाला कोई नहीं, वो अपनी बात की मुखालफत नहीं करता। अगर तू एक बार भी रोया है, तेरी बीवी को तलाक नहीं, चूंकि तू जन्नत जाएगा इसलिए कि तेरी आंखों में उसको याद करके आंसू आए। आपके जो आंसू बह रहे हैं ये कायनात का इतना बड़ा सरमाया है कि ये जन्नत की प्रॉपर्टी हासिल करने की करेंसी है। ऐसे मौकों पे ऐसे आंसुओं की प्रॉपर्टी और मीरास और सरमाया जी भर के इकट्ठा करना चाहिए। आंखों से नील बहने लगे तो बहा देने चाहिए, और उन बहते हुए आंसुओं में अल्लाह से बख्शिश और मगफरत की भीख मांगनी चाहिए। ऐ अल्लाह, हमने जो भी तुझसे दरख्वास्तें की हैं उन्हें कबूल कर। अकूल को लिहाज़ अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।